गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। एकदम बेस्ट मूवी थी, जरूर देखना आप लोग। रणबीर कपूर की एक्टिंग बेस्ट है, जरूर देखना। एक नंबर है, एक नंबर। जोरदार, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। क्या सर, क्या एक्टिंग कैसे? एक्टिंग कैसे सर? नंबर सही थी, अच्छी। रेटिंग क्या देंगे? रेटिंग पाँच में से क्या रेटिंग देंगे? फाइव स्टार। मूवी कैसी थी? मूवी कैसी? अच्छी थी मूवी। सर एक्टिंग कैसे रणबीर कपूर का? रणबीर कपूर की एक्टिंग सबसे अच्छी थी, मतलब वैसे एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत मुझे लगा मूवी में कि एक्टिंग थोड़ी रणबीर कपूर की ओवर हो गई थी कई चीज़ों में, बाकी तो ठीक। रेटिंग क्या देंगे? हैं रेटिंग? रेटिंग रेटिंग फाइव में से 3.5। एक नंबर फाड़ू, फाड़ दिया पिक्चर को देख। बाबा भाई पूरा। अरे एक नंबर, मजा आ गया रे बाबा। एक नंबर कॉलेज को मजा आ गया बाबा। कुछ अच्छा डायलॉग उनका सुना दिए जो अच्छा लगा। शेक्सपियर बाप की इज्जत समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, रेटिंग क्या देंगे सर? पाँच में से पाँच। मस्ट वॉच मूवी। रेटिंग रेटिंग कैसे देंगे? 5.15। मस्ट वॉच बाबा, काफी अच्छी है मूवी, काफी अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी। रेटिंग 4.5 out of 5। जोरदार। कुछ अच्छा सुनाई दे। बाबा हो गया, बाबा बोला सब, बस हो गया बस। इतनी जोरदार मूवी, राजकुमार हिरानी तो रुलाता ही है। और सर रेटिंग क्या देंगे सर? रेटिंग में 10 में से 12। बहुत ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया बनाया है, काफ़ी अच्छा है मूवी। संजय दत्त के लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है और अच्छा लगा। प्लीज वॉच। केमिस्ट्री अच्छी है। रणबीर कपूर काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। और प्लीज वॉच संजू। संजू मूवी कैसे लगी? ऑसम। और कैसे सर हैरानी, जो पहले मूवी रही थी उनकी उसी की तरह या उससे बेहतर? नहीं, एक्टिंग और राजू हिरानी का डायरेक्शन मतलब तबाही। एक्टिंग कैसे? एक्टिंग हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। फुल 10/10। बुक माय शो पे 95%। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।